रायपुर से अगली खबर है जहां पर हनी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक विवाहिता सहित एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है, महिला का पति भी है शामिल। आरोपियों ने भी की थी 18 लाख रुपए की डिमांड, महिला से 3 लाख रुपए, 15 लाख का चेक जब्त। पीड़ित हिमांश मीणा को कर रही थी ब्लैकमेल, दोस्ती के बाद पीड़ित को धमका रही थी, पैसे नहीं देने पर बार बार दे रही थी धमकी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया है, संचय सर्किल पुलिस ने भी कार्रवाई की है। पुलिस को इतला मिली कि कुछ एक महिला और दो तीन आदमी है जो किसी से हनी ट्रैप के मामले में पैसे लेने से इतला पे गए। वहाँ जाके उनको हमरा लेके आए थाने पे, मालूम किया तो पता चला कि एक प्रिया नाम की लड़की है, उसके साथ उसका पति और एक और है दूसरा आदमी, तीनों ने मिलके एक हिमांशु नाम के लड़के को दोस्ती की। पहले बूंदी के रहने वाले हैं और वो नया गाँव हिमांशु है जो नया गाँव दोसा का रहने वाला है, तो उन्होंने उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनके कोई संबंध हुए या नहीं हुए इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की उसको फ़ोन पे और मैसेज से उसको ब्लैकमेल करने लगी। तो वो लड़का है उसने अपना ट्रांसफ़र बूंदी से करवा लिया अलवर और उनके नंबर कर दिए ब्लॉक, लेकिन उस लड़की ने किसी तरह उसका एड्रेस लेकर और उसके गाँव चली गई। वहाँ जाके उसने उसके पिता से संपर्क किया और पिता को धमकी की। इसी दौरान गाँव का ही एक व्यक्ति शिवराम बिचौलिए के रूप में आया कि मैं तुम्हें सेटलमेंट करवा दूंगा। फिर उन्होंने उनके पिता है जो घनश्याम मीणा है SMS में सर्विस करते हैं, उनको दबाव बनाने लग गए कि हम तुम्हारे पिता को नौकरी खराब कर, बेटे की नौकरी खराब करा देंगे और उसकी खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे, नहीं तो हमें वो पैसा दो। और वो उन्होंने दबाव बनाने के बाद पिता ने उनसे बार्गेनिंग की, बार्गेनिंग में सौदा इनका 18 लाख रुपये हुआ। तो इन्होंने ये कहा कि ठीक है 18 लाख रुपए, लेकिन 18 लाख रुपए उनसे बढ़े नहीं, इसलिए उन्होंने कहा मैं कुछ रुपए नकद दे देता हूँ और कुछ रुपए का चेक दे देता हूँ। तो बिचौलिए शिवराम ने ये कहा कि ठीक है मैं गारंटी लेता हूँ कि वो पैसे मैं बाद में चेक के पैसे में भी दिलवा दूंगा इनसे। तो इनकी कुछ पैसे उन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ से किसी से उधार लिए, तो इसी क्रम में इन्होंने यहाँ बुला लिया मेट्रो स्टेशन के पास। लेकिन वो लड़के का पिता को यह लगा कि यार पैसे देने के बाद भी ये हमें ब्लैकमेल नहीं करे, तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस को इतला दी थी। इस इतला पे हम गए, वहाँ पकड़ लाए, उनसे 3 लाख रुपए नगद और एक 15 लाख का चेक जो हमने उस लड़की के पास से और उस बिचौलिए के पास से बरामद किया।